गेम खेलते टाइम आपके फोन में भी इस तरीके की 999 प्लस की हाई पिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। कभी कभी जब आप लोग गेम को स्टार्ट करते हो तो गरेना आपको गेम से बाहर निकाल देता है, यानी कि ऑटो बैक कर देता है, या फिर नेटवर्क ऑटो रिकनेक्टिंग की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। इसका प्रैक्टिकल आपके सामने है और आप लोगों ने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल सभी वीडियोस को सर्च कर करके देख लिया है, लेकिन अभी तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स लेकर के आया हूं और कुछ सीक्रेट सेटिंग्स को भी अप्लाई करना है, जिनको अप्लाई करने के बाद आपके फोन की हाई पिंग की प्रॉब्लम 100% सॉल्व होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में। देखिए, आपको हाई पिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले समझना पड़ेगा कि पिंग हाई जाती क्यों है। देखिए, आपके फोन के अंदर पिंग हाई जाने का कारण है कि आपका जो इंटरनेट है वो गेम के ऊपर ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा है, यानी कि आपका जो इंटरनेट है उसको अलग अलग एप्लीकेशन भी यूज कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए आप लोगों को सिंपल सा सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना है। वहां पर आपको डेटा यूज वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। नीचे आपको डेटा सेविंग का ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको ऑन कर देना है। इससे आपका जो डेटा है वो फालतू की जगह में यूज नहीं होगा, जो आप यूज करोगे वहीं पर ही यूज होगा। इसके अलावा आप लोगों को ऊपर एक और ऑप्शन मिलेगा जो कि होगा डेटा यूजेस, इस पर आप लोगों को जाना है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेंगे। एप्लीकेशन अगर आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं तो कहने का मतलब है कि ये वाले एप्लीकेशन वाईफाई का भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं और मोबाइल इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों को इन सभी को ही डिसेबल कर देना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। एक एक करके एप्लीकेशन को डिसेबल करते जाइए और केवल गरेना फ्री फायर का जो ऑप्शन है ना, उसको ही आप लोगों को मोबाइल और वाईफाई पर ऑन रखना है। उसके बाद आप लोग अपने फोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लीजिए और आप लोग गेम को ओपन करेंगे और आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इस टिप को अप्लाई और सेटिंग को अप्लाई करने के बाद आपको और कोई भी वीडियोस को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इन फ्यूचर में भी आपकी हाई पिंग प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो टिप नंबर 2 है, वो है रीसेंट टैब क्लियर। आप लोग गेम खेलने से पहले अपने रीसेंट टैब को चेक कर लीजिए कि यहाँ पर कितने एप्लीकेशन ओपन है। आप लोग क्या करते हैं कि रीसेंट में बहुत सारे ऐप ओपन रहते हैं और उसी टाइम पर आप लोग फ्री फायर को ऑन कर लेते हो, तो आपका जो इंटरनेट है वो अलग अलग ऐप में बैकग्राउंड में चलता रहता है और पिंग हाई जाने लगता है। तो गेम को ओपन करने से पहले अपने इस टैब को क्लियर कर दीजिए, जो रीसेंट टैब है इसको क्लियर कर दीजिए और यहाँ पर एक भी ऐप जो है वर्किंग में नहीं चलना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को फ्री फायर को ओपन करना है। टिप नंबर 3 जो कि है ऑलवेज कनेक्ट योर इंटरनेट 5G। आपको हमेशा ही अपने मोबाइल को 5G इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना है। जब से कंपनी ने इंटरनेट 5G को लॉन्च किया है ना, तो 4G में बहुत सारे हाई पिंग की इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर आपका फोन 5G है तो आप ऑलवेज 5G पर ही कनेक्ट करके रखिए अपने फोन को, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। एक टिप और मैं आपको एडिशनल शेयर कर देता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपका फोन 5G है और आपके एरिया में 5G ठीक तरीके से नहीं आता है, तो आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप लोगों को अपने फोन को 5G ऑटो पर सेट नहीं करना है। आपको 3G, 2G एंड 4G की सेटिंग को ही अप्लाई करके रखना है, क्योंकि कभी कभी आपके यहाँ पर 5G आता है, कभी कभी चला जाता है, तो बार बार आपके फोन को प्रोसेस करना होता है और उतने बीच में आपका इंटरनेट स्विच होने लग जाता है और आपकी पिंग हाई जाने लगती है। अगर आपके एरिया में 100% कन्फर्म 5G इंटरनेट ठीक तरीके से आ रहे हैं, तो ही आप लोग इसको 5G पर सेट करिए, नहीं तो आप लोग 4G पर ही सेट कर लीजिए। इसके बाद आता है टिप नंबर 4 जो कि चेक योर डेटा स्पीड। मोबाइल फोन के अंदर एक एडिशनल सेटिंग्स होती है जिसमें आप लोग अपने इंटरनेट की स्पीड को ऊपर देख सकते हैं, जो कि आप लोग यहां से ऑन करके देख सकते हो कि ऊपर मुझे इंटरनेट की स्पीड दिख रही है। अब मैं कुछ भी चलाऊंगा तो यहां पर मुझे स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए मैं अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करता हूं गूगल पर जाकर के। तो मैंने यहां पर अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करी है और आप देख सकते हो कि ऊपर जो स्पीड है ना वो बढ़ने लग रही है। यहां से आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई जा रही है इंटरनेट की, तो समझ जाइए कि बैकग्राउंड में कोई ऐप चल रहा है। उसके बाद आप लोग उसको डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद आता है टिप नंबर 5 जो कि एयरप्लेन मोड एंड रीस्टार्ट योर फोन। ये वाली सेटिंग बहुत ही नॉर्मल सेटिंग है, सभी को पता है कि जब हाई पिंग जाती है या फिर इंटरनेट नहीं चलता है, तो आप लोग अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डालते हैं और फिर निकालते हैं, या फिर अपने फोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेते हो। तो ये वाली सेटिंग बहुत ही नॉर्मल सेटिंग है, सभी लोगों को पता है। टिप नंबर 6 जो कि डोंट यूज VISIM। आपको हमेशा एयरटेल और जियो के इंटरनेट पर ही गेम को खेलना है। आपको कभी भी वोडाफोन आईडिया यानी कि VI की सिम पर नहीं खेलना है, क्योंकि VI का जो इंटरनेट है वो बहुत ही स्लो होता है और आपको बहुत ही पिंग देखने के लिए मिल रहे हैं। हो सकता है आपके फोन में हाई पिंग की प्रॉब्लम केवल VI की वजह से आ रही हो। टिप नंबर 7 जो कि टर्न ऑफ योर डाउनलोड पैकेज। देखिए, आपको अपने गेम को ओपन करना है, उसके बाद आपके यहाँ पर डाउनलोड पैकेज आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता रहता है। जो भी फ्री फायर में नए प्लेयर्स आते हैं और उनको पता नहीं होता है और इसमें इंटरनेट उनका यूज होता रहता है, उसी टाइम पर आप लोग गेम को ओपन करेंगे और उसी टाइम पर आपका पैकेज डाउनलोड होगा, तो इंटरनेट डेफिनेटली हाई पिंग जाएगा। तो आपको हमेशा ही अपने पैकेज को ऑफ करके रखना है, जिस तरीके से मैंने किया है। टिप नंबर 8 जो कि है रिपोर्ट नेटवर्क
डायरेक्ट टू गरेना। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट करने का, इसको आप रिपोर्ट कर दीजिए गरेना को, तो गरेना अपने साइड से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद आता है टिप नंबर, टर्न ऑफ योर ऑटो अपडेट एप्लीकेशन इन प्ले स्टोर। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर अगर ऑटो अपडेट हो रहा है आपके एप्लीकेशन तो उन सभी को ही कैंसिल कर दीजिए। सभी लोगों के मोबाइल में ये वाले एप्लीकेशन प्ले स्टोर में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होते रहते हैं, तो इनको आप लोगों को हमेशा ही कैंसिल कर देना है। टिप नंबर 10, यूज प्री इंस्टॉल गेम बूस्टर। हर मोबाइल के अंदर अपना एक अलग गेम बूस्टर होता है, उसको आप लोग सेटिंग से जाकर के ऑन कर सकते हो और हमेशा ही आप लोगों को प्री इंस्टॉल गेम बूस्टर को ही यूज करके गेम को खेलना है। स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा और आप लोगों को पिंग का इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर अपना नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन का अलग से ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन करके मैं अपने नेटवर्क को भी स्टेबल कर सकता हूँ। इसके अलावा आता है टिप नंबर 11, जो कि है डोंट यूज हॉटस्पॉट ड्यूरिंग गेम प्ले। जब भी आप लोग गेम को खेलते हो उस टाइम पर आपको हॉटस्पॉट को ऑन नहीं करना है, ना ही अपना इंटरनेट किसी अदर फ्रेंड के साथ शेयर करना है, क्योंकि अगर आप लोग हॉटस्पॉट को ऑन कर दोगे तो आपके साथ में और फ्रेंड्स या फैमिली कनेक्ट हो जाएगी और वो लोग रील्स या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब चलाएंगे, वहां पर आपका इंटरनेट यूज हो रहा है, साथ में आप लोग गेम भी खेल रहे हैं, तो काफी ज्यादा इश्यूज देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। अगर आप लोगों ने इन सभी 11 टिप को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर लिया तो आपके फोन के अंदर हाई पिंग की प्रॉब्लम 100% सॉल्व होने वाली है। अगर आपके फोन में अभी भी हाई पिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसको रिप्लाई करके बताएंगे या फिर उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चैट बॉक्स में लेना चाहते हैं, यानी कि पर्सनली हमसे चैट करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंस्टाग्राम से जाकर के आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो और हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।